सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। आज का पंचांग 3 जुलाई 2022 दिन शनिवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 3 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र दोपहर 12:13 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:16 से 10:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर दोपहर 12:13 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 3 जुलाई 2022 दिन शनिवार, आप पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपना रहे हैं। आप कुछ अलग ना सोचे इसका प्रभाव औरों पर अच्छा नहीं पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले ये मूल्यांकन दोबारा कर लें कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए नया वाहन और दूसरी चीजें खरीदने हेतु समय उपयुक्त है। आप दिन की शुरुआत योग ध्यान से कर सकते हैं, ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा लेकिन पैसे का लगातार पानी की तरह बहते जाना आपकी योजनाओं में रुकावट पैदा कर सकता है। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। आज के इस खूबसूरत दिन प्रेम संबंध में आपकी सभी शिकायतें गायब हो जाएगी। अगर आप अपनी योजनाओं को सबके सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर सकती हैं। अपने किसी मित्र के साथ आज आप समय बिता सकते हैं लेकिन इस दौरान आप शराब का सेवन करने से बचें, नहीं तो समय की बर्बादी हो सकती है। आज आप महसूस करेंगे कि जीवन साथी के साथ की अहमियत कितनी है। कहीं से शुभ समाचार मिलेगा जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर होगा। किसी समाज सेवी संस्था के लिए आप सहयोग कर पाएंगे, ऐसा करने से आपको मानसिक और आत्मिक सुकून मिलेगा। आपके ऊपर बनी हुई जिम्मेदारियों का एहसास होने के बाद भी काम करने से आप परहेज क्यों कर रहे हैं इस बात को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस होने से किसी भी निर्णय पर टिके रहना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। काम की जगह लिए कठोर निर्णय की वजह से लोगों की नाराजगी का सामना होगा। पार्टनर और रिलेशनशिप से संबंधित जिम्मेदारियां आपको ही निभानी पड़ सकती है। पेट दर्द बढ़ सकता है, बाजार की उठापटक खिलाफ परिणाम दे सकती है, अनुपयोगी खर्च कर सकते हैं, शारीरिक दुर्बलता भी रह सकती है। नई जगह जॉब के लिए किए जा रहे प्रयास में निराशा हाथ लग सकती है। फार्मा आइटमों के कारोबारियों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। मानसिक विचलन की स्थिति भी रह सकती है। बहन की शादी के संबंध में अनुकूलता रह सकती है। यदि किसी निकट पुरुष परिजन के साथ काम कर रही हैं तो पर्याप्त रूप से संभल कर रहें। सिर दर्द के मामलों में विशेष सतर्कता बरतें। प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित किसी महत्वपूर्ण काम में प्रगति हो सकती है, नया काम प्राप्त हो सकता है, चिंता की अधिकता भी रह सकती है। आपके निश्चित रूप से फलदायक दिन रहेगा। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्य पर चर्चा भी हो सकती है। आज जीवन साथी के साथ कुछ शॉपिंग पर भी जा सकते हैं जिसमें आपको अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखना होगा। आपको अपने आसपास के लोगों से टकराव की नौबत ना आए इस बात का खास ध्यान रखना होगा। यदि आपने पहले कभी किसी को धन उधार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। सावधानियां।
कोई आपका नजदीकी रिश्तेदार या मित्र जलन की भावना से आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श अवश्य करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल न होने से व्यवस्था अस्त व्यस्त रहेगी। प्रेम संबंध गंभीर और सौहार्दपूर्ण भी रहेंगे। स्वस्थ आचार विचार और स्वस्थ रूपी स्वस्थ सीमाएं आपके लिए आवश्यक हो गए हैं, लेकिन उनकी हदबंदी करना आपके लिए मुश्किल हो गया है। आपको अपने साथी के साथ बैठकर अपनी संबंधों के विभिन्न आयामों के बारे में बात करनी चाहिए, जिस कारण आप उतना असहज महसूस कर रहे हैं। आज का दिन आदर्श रूप से इस कार्य के लिए अनुकूल है, क्योंकि आपका साथी आपके विचारों को सुनेगा और खुलकर आपसे बात करने को राजी होगा। आज आप अपने सोच की दायरा बढ़ाएं कि आप अपने साथी में किसकी तलाश कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन साथी के बारे में पहले से तय की हुई कठोर योग्यताओं को थोड़ा नरम करने के विचार का निश्चय करें, तो आप पाएंगे कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी चिंता को हर दे। इस विचार पर जोर ना दे कि आपका साथ कैसा होगा और कैसा व्यवहार करेगा। हो सकता है कि आपको ऐसे व्यक्ति की कमी महसूस हो रही हो जो आपको खुश रख सके और आपके साथ समय बिताए। बात करते हैं करियर की। कुंभ राशि वालों की किस्मत के सितारे आज चरम पर रहेंगे। आपके घर में पैसों का आगमन होगा तो खर्च भी काफी होगा। आज के दिन किसी सामाजिक अथवा मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने से आपका पैसा खर्च होगा। कार्य क्षेत्र में भी आज धन का आगमन होगा। फिजूल खर्च भी लगे रहेंगे जिन पर अंकुश रखने की जरूरत है। विपरीत लिंगी किसी व्यक्ति से आपको आज हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा। काम धंधे के मामलों में आप प्रगति की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। कुछ अच्छे व्यापारिक निर्णयों से व्यापार को गति मिलेगी और काम धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। नौकरी पेशे वर्ग में कर्मचारी अच्छा काम करते देखे जाएंगे। काम करते हुए आप एक विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाते हैं, यह आपका सकारात्मक पहलू है और इस दिन के अंत में आपका दृष्टिकोण मौद्रिक लाभ में बदलेगा। जोड़ तोड़ से बचें और जो भी करें ईमानदारी से करें। आपके काम की गुणवत्ता आपके काम की मात्रा के बजाय ज्यादा महत्व रखेगी। वफादारी स्वागत योगनीय होगी जो किसी भी मुश्किल स्थिति से आपको बाहर निकाल देगी। अपने कार्य प्रणाली में वर्तमान स्थिति के अनुसार परिवर्तन करना भी जरूरी है। आय के साधन बनेंगे, इसीलिए अपने प्रयासों में बिल्कुल भी कमी न आने दें। निकट भविष्य में आपको इसके उचित परिणाम हासिल होंगे। बात करते हैं सेहत की। आज आप अपने खान पान पर ध्यान दें। खाने में पोषक चीजों की मात्रा बढ़ाने से आपको लाभ होगा। आज आप थोड़े से घमंड के मूड में भी रहेंगे। अपनी इस साहसिक ऊर्जा को ऐसे लोगों का सामना करने के लिए बचाए रखें जो आपकी विश्वसनीयता पर आज संदेह जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को उनकी बातों से प्रभावित होने देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप या तो किसी फिटनेस कार्यशाला में भाग लें या किसी कैंप में जाकर मजे करें, पर अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय। आज अब गरीबों को दान पुण्य करें शुभ रहेगा। काली तिल का दान अवश्य करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।